गुड मॉर्निंग। तो काम मेरा हो चुका है और अभी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट है वाओ स्किन साइंस का। वैसे मैचिंग मैचिंग हो गया है ना, मेरा टॉप भी मैचिंग हो गया है शैम्पू की बॉटल के साथ। पिंक कलर की बहुत ही प्यारी सी बॉटल है, आप देखेंगे वाओ की पैकिंग कितनी ब्यूटीफुल है इसकी पैकिंग। तो ये जो है वाओ स्किन साइंस का हिमालयन रोज शैम्पू है। तो रोज जैसा कि नाम है तो सब कुछ रोज रोज हो रहा है, वैसे सच में बहुत ज़्यादा मैचिंग नहीं हो गया है। तो ये जो शैम्पू है बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने यूज़ किया है इसको। इसके अंदर सल्फेट नहीं है, पैराबिन्स नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, कलर नहीं है, ये वाओ के प्रोडक्ट्स में नहीं होता है। हमेशा से आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ वाओ के। बहुत सारे शैम्पूज मैंने यूज़ करे हैं, फेस वॉशेज मैंने यूज़ करे हैं और ये शैम्पू भी मैंने यूज़ किया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन लोगों के लिए सूट करेगा जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं या ब्रेकेज प्रॉन जिन लोगों के हेयर्स होते हैं, तो वो ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो है रोज हाइड्रोसोल है, जो कि अगर स्वेटी हेयर होते हैं तो आपको पता है उसमें से स्मेल आती है, तो उसके लिए आपको खुशबू देंगे, वो चीज़ को दूर करेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा एंड से बहुत ज़्यादा ब्रेकेज हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, उसको मॉइस्चराइज करते हैं, न्यूरिश करता है ये शैम्पू। तो वाओ का ये शैम्पू जो है अमेजिंग शैम्पू है। और इसी के साथ जो है आता है इसका कंडीशनर, जो कि शैम्पू के साथ हमेशा कंडीशनर बाद में यूज करना ही चाहिए। ये भी वाओ स्किन साइंस का हिमालयन रोज कंडीशनर है, इसकी बॉटल भी सेम है। तो वाओ स्किन साइंस का हिमालयन रोज कंडीशनर जो है मॉइस्चराइज करता है ड्राई ब्रिटल स्ट्रेंड्स को, इम्प्रूव करता है हेयर इलास्टिसिटी को, और आपके अगर फ्रिजी हेयर्स हैं या फ्लाईवेज हैं उन्हें जो है कंट्रोल करता है, सॉफ्ट करता है रफ हेयर को, बूस्ट करता है हेल्दी शाइन को, और ऑल हेयर टाइप्स के लिए ये जो है सुटेबल है। उसके बाद जो आता है वाओ स्किन साइंस का हेयर मास्क, और हेयर मास्क भी टाइम टू टाइम अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। वाओ स्किन साइंस हिमालयन रोज हेयर मास्क जो है रिपेयर करता है ब्रिटल डैमेज स्ट्रेंड्स को, सूट करता है हर तरह के बालों के लिए। तो ये जो है एक नेचुरल ग्लॉस देता है, फ्रीजी हेयर्स और फ्लाईवेज को दूर करता है, अपीयरेंस जो है बालों की वो इम्प्रूव करता है, टेक्सचर इम्प्रूव करता है, बालों की इलास्टिसिटी जो है उसको भी इम्प्रूव करता है, मॉइस्चराइज करता है बालों को। तो जो वाओ के प्रोडक्ट्स हैं एक यूनिक क्यूआर कोड के साथ आते हैं, आप वाओ ऐप को साइन अप करके ये क्यूआर कोड जो है स्कैन कर सकते हैं और वहाँ पर इन सारे प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी के बारे में जान सकते हैं। तो शैम्पू मास्क और कंडीशनर जो है हेल्प करता है रिवाइव करने में ड्राई ब्रिटल और डैमेज हेयर से। ये इन्फ्यूज़ है विद रोज हाइड्रोसोल जो स्वेटी ऑर्डर को स्कैल्प से हटाता है, नेचुरल एक्टिव है इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर और आपके बालों को थोड़ा सा वॉल्यूम देता है। तो इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की जो परसेंटेज है वो शैम्पू में है 92.20% और कंडीशनर में है 93.40%। सारे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से ये सारे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। और अभी जो है मेरे को जाना है मार्केट, क्योंकि आज जो है मेरे को लेकर आना है बहुत सारा सामान, यानी सामान तो वही होता है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और दूध दही ये सब चीजें ही होती हैं, बट आज मेरे को जाना है अभी मार्केट, तो बस मैं वही निकल रही हूँ, फिर मैं आप लोगों से आके बात करूंगी, बाय। अभी जो है मैं आ चुकी हूँ मार्केट से, तो अभी आज सामान लेकर आई हूँ, फ्रूट्स वगैरह जो मैंने रख दिए हैं, पेंट्री का भी सामान आया हुआ था बहुत सारा, तो वो भी मैंने खोला है, 2-3 बॉक्स थे पेंट्री के वो खाली करे हैं, अभी आधा सामान लगा दिया है मैंने, और बाकी फ्रूट्स वगैरह थे वो अभी वहीं पर पड़े हुए हैं, तो उनको भी वॉश करके जो है रखूंगी, तो बस ये सारा काम भी हो गया मेरा। सुबह में मैंने ग्रेनोला खाए थे, तो अब लग रही है भूख मेरे को, तो अब मैं कुछ बनाने वाली हूँ सब्जी रोटी टाइप, तो सुबह तो बस ऐसे ही ब्रेकफास्ट हो गया था, तो चलिए अभी वो बना लेती हूँ, फिर करूँगी आप लोगों से बात। गुड मॉर्निंग। तो व्लॉग जो है कल मेरा आधा रह गया था, वो मैंने एंड ही नहीं करा, एंड करना ही भूल गई व्लॉग को, तो मैंने सोचा चलो आगे का शूट कर लेती हूँ। तो अभी जो है इस टाइम पे बज रहे होंगे 5:15-5:30 के करीब, तो मैं थोड़ा सा नीचे चली जाती हूँ वॉक करने के लिए, और इस टाइम आजकल ज़्यादा ठंड नहीं होती है, मतलब उतनी ठंड नहीं होती जितनी पहले ठंड होती थी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अमेज़ॉन से कुछ मंगाया था, तो ये जो है मैंने एक योगा मैट मंगाया था अमेज़ॉन से, और साथ में जो है ये डंबल मंगाए थे, तो ये डंबल 2 kgs के हैं, ये 2-2 किलो के डंबल हैं, तो थोड़ा आजकल मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो ये मेरे को चाहिए थे।
और इसमें थोड़ा सा एक साइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मतलब ये थोड़ा सा इसमें फिक्स नहीं हो रहा है, बट कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वेट तो वेट है, वेट ही लेना है, वेट ही उठाना होता है। तो ये 2-2 किलो के हैं ये दोनों डंबल। योगा मैट इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा बहुत आजकल विंटर्स में थोड़ा सा क्या हुआ है, वेट भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है और बिल्कुल एक्सरसाइज करनी मैंने बंद कर दी थी। पहले थोड़ा डांसिंग वगैरह करती रहती थी, डांस वगैरह पे ज़्यादा रहता था, अब मैंने बिल्कुल ही बंद कर दी थी। थोड़ा सा वेट गेन हो गया था तो मुझे लगा कि थोड़ा सा दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज और थोड़ा वॉक वगैरह पे जाना अच्छा है, थोड़ा सा मेंटेन रहेगा इससे वेट भी। और थोड़ा बहुत मैंने जो है मतलब घर में ही एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, जिम वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है, बस घर में ही अपना थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज करो। थोड़ा सा डांस करना मुझे ज़्यादा पसंद है और एक्सरसाइज प्रॉपरली ये वो वाली मेरे को अच्छी नहीं लगती, डांस करना पसंद है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर जो है इस टाइम, तो आप देखेंगे ये इस टाइम पे लाइट एक फ्लक्चुएट हो रही है, धुंध ऐफ हो गया, ठंड नहीं है इतनी, ठंड नहीं हो रही है, बट अभी मैं नीचे जाऊंगी थोड़ा सा, इस टाइम पे अच्छा लगता है थोड़ा सा राउंड अच्छे से 2-4 काट लूँगी। तो मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है इस वक्त, पहले तो सर्दियाँ ज़्यादा थी तो मैं नहीं जा रही थी, बट अब शुरू करा है दोबारा से, चलो चलते हैं अब नीचे। कहते हैं नींद जो है प्रॉपर आ ही नहीं पाती है, मतलब टूटती रहती है मेरी, बिल्कुल ऐसे नींद नहीं आती कि बहुत गहरी वाली नींद आ जाए। तो मैं सो जाती हूँ 11:30-12 बजे आजकल, 11:30-12 बजे सोने के बाद क्या होता है फिर बीच में आँख खुल जाएगी, फिर खुल जाएगी, तो नींद टूटती रहती है, मतलब एकदम प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है। दूसरा उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा साइलेंस होता है, और जब मैं बहुत ऊपर फ्लोर पे हूँ बट गेट जो है एकदम मेरे मतलब मेरा फर्स्ट टावर है जहाँ पर मैं रहती हूँ, गेट एकदम साथ में, और जो भी रात को गाड़ियाँ आती हैं चाहे वो 12 बजे आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, कोई लोग भी जो नाइट शिफ्ट करते हैं रात में आते हैं, इतनी ज़ोर के हॉर्न बजाते हैं वो कि अगर नींद भी आँख भी लगी होगी ना, गहरी नींद भी आ रही होगी ना, तो उस हॉर्न की वजह से अच्छा खासा आदमी भी उठ जाएगा, मतलब ये सीन रहता है। और एक बार जब मेरी नींद टूट जाती है ना, फिर मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है दोबारा सोने में, तो यही दिक्कत होती है। तो चलो अब मैं जा रही हूँ नीचे, लॉक करती हूँ और अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और मैं अपनी लीड्स ले लेती हूँ क्योंकि मैं गाने सुनती रहती हूँ, गाने तो चलते रहते हैं मेरे। वैसे भी मेरे को म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ है, आप सबको पता है म्यूज़िक मैं बहुत सुनती हूँ, घर में भी इवन काम कर रही होती हूँ तो सुबह में शब्द लगा लेती हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल और ये वाला, फिर बाद में थोड़ा ढिंचक वाले, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग म्यूज़िक। तो थोड़ा सुनते हुए वॉक करो या चलते रहो तो थोड़ा अच्छा लगता है। और पहले जो है यहाँ पे इतने लोग नहीं होते थे, लेकिन अभी जो है बहुत भीड़ होने लग गई है। ज़्यादा अंदर नहीं जाने वाली हूँ, इधर लाइट्स रहती हैं तो इधर सही है, और एकदम फ्रेंड में। पहले जब मैं यहाँ पर आई थी स्टार्टिंग में, तो मम्मी को लगता था कि यहाँ सेफ नहीं है, ये नहीं है, बट अब यहाँ इतने लोग हो चुके हैं ना कि बहुत ज़्यादा सेफ है। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सोसाइटी है मेरी, जिस सोसाइटी में मैं अभी रह रही हूँ, और अभी भी जो है 2 साल मुझे हो चुके हैं। मेरे को लग रहा है अभी आगे वाला जो साल है इसका अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, क्योंकि पहले ऑलरेडी
दो साल मतलब हर साल रिन्यू होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी बस होने वाला है अप्रैल में दोबारा से मेरा मतलब तीसरा साल हो जाएगा यार यहाँ पर रहते हुए। और बहुत ज़्यादा सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं बाहर आई हूँ, नीचे नहीं निकली हूँ, लेकिन अभी अब तो अपने आज घर जैसा लगता है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसी वाली फील आती है कि सब लोग जान गए हैं, यहाँ पे जान गए हैं सब लोग, तो ऐसी फील आती है। You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, अभी जो है आ चुकी हूँ मैं वॉक करके, और अब जो है मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन कॉफी। तो ये दो पाउच है ग्रीन कॉफी के, तो ये मैं बनाने वाली हूँ। जिसके ऊपर बैठी हुई हूँ ये है बीन बैग। ये मैंने वीडियो बनाया था, पूरा शूट करा था, वो वीडियो मैंने अपलोड ही नहीं करा है, वो मेरा पुराना वीडियो है। पूरा का पूरा एक व्लॉग मेरा रेडी था, मैंने दिखाया था उसमें अपना। मैंने बीन बैग लिया था, ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था, काफी कंफर्टेबल है, ट्रिपल एक्सेल है आई थिंक इसका साइज, काफी बड़ा भी। तो ये एक बीन बैग मेरे को चाहिए था, क्योंकि सोफ़ा तो मेरे पास वही है और वहाँ पर मेरे को ज़्यादा बैठने का होता नहीं है, मेरे को चाहिए थोड़ा कंफर्टेबल साइड ऐसे बैठने के लिए। तो अब जो है आजकल मैं विटामिंस भी ले रही हूँ, और विटामिंस मैं पहले बहुत ज़्यादा नहीं लेती थी, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट करे हैं। तो हेयर विटामिंस और मल्टी विटामिंस दोनों आजकल मैं ले रही हूँ थोड़ा सा। इस टाइम पर भैया 35 इयर्स एज हो चुकी है, तो इस एज में अब थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है विटामिंस वगैरह लेना चाहिए, नहीं तो हड्डियों में जोड़ों में हड्डियों में इधर उधर दर्दें शुरू हो जाएंगी। तो सोचा कि विटामिंस, मम्मी भी कहती हैं कि ले तू अगर आ रहे हैं तेरे को और इतने अच्छे हैं वो, तो फिर मैंने रिव्यू भी करा था ऑसम इंडियन मॉम चैनल पर, रिव्यू भी करा था उनका, वीडियो भी बनाया मैंने सेपरेट, तो आप देख सकते हैं। और ऑसम इंडियन मॉम चैनल जो मेरा दूसरा वाला है, अगर आपको पता होगा तो आप देख सकते हैं, वहाँ रिव्यू कर रखा होगा उन प्रोडक्ट्स का। तो बस वो भी अभी मैं लूँगी, तो वो तो क्या होता है खाना खाने के बाद लेना होता है। तो अभी ये कॉफ़ी वगैरह लेके थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी उसके बाद, या डांस करूँगी, या जो भी मेरी रहेगी आधा पौना घंटा 45 मिनट्स तो एटलीस्ट मैं वर्कआउट करूँगी, और देन उसके बाद मेरा फिर ब्रेकफास्ट वगैरह होगा। तो चलिए गाइज, ये व्लॉग जो मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से कल नए व्लॉग में। बाय।